और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, सीआरपीएफ कैंप पर जो आतंकी हमला हुआ है उससे जुड़ी हुई। पुलवामा के अवंतीपुरा में सीआरपीएफ के ट्रेनिंग कैंप पर आतंकी हमले में एक इंस्पेक्टर समेत कुल 4 जवान शहीद हो गए हैं और आपको बता दें कि आतंकियों को भी इस हमले में ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला हुआ, जैश ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और अब बड़ी खबर यह कि ये मुठभेड़ खत्म हो गई है, आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन इस हमले में 4 जवानों के शहीद होने की भी खबर आ रही है। पुलवामा में आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा था जिसमें एक इंस्पेक्टर समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं, लेकिन अब एनकाउंटर खत्म हो गया है, सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है, तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। रात 2 बजे के करीब यह हमला हुआ, जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने ग्रेनेड पर पहले सीआरपीएफ के ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया, उसके बाद वो सीआरपीएफ के ट्रेनिंग कैंप में घुसने में कामयाब हो गए। एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या ये माना जाए कि अब ये पूरा का पूरा ऑपरेशन खत्म हो गया है, क्या हालात पूरी तरह से काबू में है? मंत्रालय देखिए, केवल मुठभेड़ खत्म हो गई है, ऑपरेशन अब भी जारी है, क्योंकि जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार 3 फिदाई हमलावरों ने इस हमले को अंजाम दिया था। जैसा कि जैश मोहम्मद की तरफ से भी ये दावा किया गया था कि उनके 3 फिदाई हमलावर अंदर घुसे थे, लेकिन अभी तक केवल 2 फिदाई हमलावरों के मारे जाने की पुष्टि की गई है, जबकि तीसरे हमलावर की तलाश के लिए यहाँ पे अभियान अब भी जारी है। हालांकि मुठभेड़ खत्म हो गई है, जिस 3 नंबर की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में जो फिदाई हमलावर छुपे हुए थे वहां उसको पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है और दोनों हमलावरों को मार गिराया गया है, लेकिन इस मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 4 जवान जो है वो मारे गए हैं, जिनमें एक अफसर और 3 जो है जवान है वो शामिल है। ये तीनों जवान वो जवान है जो तंत्री ड्यूटी पे तैनात थे और गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई, जबकि अफसर के बारे में ये बताया गया है कि ऑपरेशन के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हमांद्रा जी आसिफ, तो आप ये कह रहे हैं कि 2 ही आतंकियों को अभी ढेर किया गया है और तीसरे आतंकी की तलाश अभी जारी है। बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमारी पीआरओ सीआरपीएफ से बात हुई, उन्होंने इस बात की तो पुष्टि कर दी कि 4 जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो इस हमले में मारे गए हैं, और मिलिटेंट्स के बारे में उन्होंने ये कहा कि अभी भी जो है ऑपरेशन जारी है, क्योंकि जो जानकारी मिली थी वो 3 फिदाई हमलावरों की थी। साथ ही ये भी बता दूं अमांद्रा कि कल दोपहर 2 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सीआरपीएफ के इस कैंप को स्पेसिफिकली ये बोला गया था कि आपके कैंप को निशाना बनाया जाएगा, फिदाई हमला होगा। इसके बावजूद भी लगता है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक रही, क्योंकि पुलिस का ये कहना है कि तकरीबन 300 मीटर का इलाका इस कैंप का, उसमें दीवार नहीं बनी हुई थी, केवल कटीले तार लगे थे और उसी के जरिए जो फिदाई हमलावर थे कैंप के अंदर घुसने में कामयाब रहे थे। अमांद्रा, तो आसिफ आप ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक इनपुट होने के बावजूद इस तरह का हमला इसको अंजाम देने में कामयाब हो पाए आतंकी, इतनी बड़ी चीज़ जो जानकारी हमें पुलिस की तरफ से दी गई उसमें यह कहा गया कि कल दोपहर 2 बजे के करीब सीआरपीएफ के इसी कैंप को इन्फॉर्म किया गया था कि एक जानकारी मिली है कि इस कैंप को निशाना बनाया जा सकता है और कैंप के आसपास कुछ संदिग्ध मिलिटेंट्स भी देखे गए थे। इसके बावजूद भी ये हमला हुआ है, कहीं ना कहीं सुरक्षा में एक चूक है, जो बात जो जांच का विषय है। जी अमांद्रा जी आसिफ, लेकिन बड़ी खबर यह है कि 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, 1 की तलाश अभी जारी है, लेकिन 4 हमारे जवान इस हमले में शहीद हो गए हैं। आज आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर भी तोड़ा है, जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में भी 1 जवान शहीद हो गए हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ है सीआरपीएफ के ट्रेनिंग कैंप में पुलवामा में, जैश ए मोहम्मद का आतंकी हमला जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। आसिफ कुरैशी हमें यह जानकारी दे रहे थे कि स्पेसिफिक इनपुट कल था, ये जानकारी दी गई थी दोपहर 2 बजे के करीब कि इस कैंप को टारगेट किया जा सकता है, उसके बावजूद आतंकी इस कैंप में घुसने में कामयाब हो गए, 4 जवान इस आतंकी हमले में शहीद हो गए, 2 आतंकियों को मार गिराया गया है, 1 की तलाश जारी है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई है, एक बार फिर से युद्ध विराम तोड़ा है पाकिस्तान ने और इस फायरिंग में भी 1 जवान शहीद हो गया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।